नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज सिरसा में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंत्रिमंडल गठन, SYL, धान की खरीद, पराली की समस्या और रोजगार, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था लागू करने पर पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 550वें प्रकाश पर्व गुरुपूर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही सबसे अपील करता हूं कि जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने महिला सशक्तिकरण की बात हो, पर्यावरण की बात हो, भाईचारे को किस तरीके से धार्मिक पाबंदियों से ऊपर उठकर एक किया जाए, जो हमें सिखाया है उनको हम कैसे अपने जीवन में लेकर चले। मुझे लगता है इस 550वें प्रकाश पर्व पर हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ उन संत महात्माओं से, उन फकीरों से, उन गुरुओं से सीखना चाहिए कि हमारे देश की उन्नति के लिए कैसे हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में जननायक जनता पार्टी की ओर से किन नामों पे मोहर लगा? मंत्रिमंडल का विस्तार जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की चीज है, क्योंकि 9 तारीख को कई गतिविधियां थी, इस कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा। मामहिम भी क्योंकि उनके कोई परिवार में फंक्शन है, स्टेट में नहीं थे, शायद वो कल आ जाएंगे, उसके तुरंत बाद विस्तार भी हो जाएगा। मगर आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि प्रदेश में स्थायी तौर पर कैसे मजबूती के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाई जाए, ये इस गठबंधन का प्राथमिकता रहे। गठन को लेकर कोई बैठक भी आज CM साहब से ऐसा कुछ? मैं तो आपके बीच में सिरसा हूँ, यहाँ से हिसार जा रहा हूँ फिर जींद, तो आज जो कुछ होना है तो हमारे संगठनों के बीच का निर्णय है और मैं ये मानता हूँ कि अच्छा कैबिनेट आपके बीच में लेकर आएंगे, काम करने वाले लोगों को लेकर आएंगे जो प्रदेश को प्रगति के पथ पर। एक SYO लेकर आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि किस तरह से अयोध्या के मामले जितने सुनवाई, डे टू डे सुनवाई, SYO पे सुनवाई होनी चाहिए, क्या? देखिए, सतलुज यमुना लिंक का मामला सबजूडियस है और इनकमिंग वीक्स उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाना है। वाटर शेयरिंग जिसके ऊपर एप्लीकेशन लगी हुई थी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग 3-4 लंबे समय से लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया है, ये भी एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट एक्सपेडिशन के साथ निर्णय लेकर आए, ये प्राथमिकता हरियाणा सरकार की। सरकार के आदेशों के बावजूद भी अभी भी धान और नरमा की खरीद को लेकर दिक्कतें आ रही है किसानों को? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ पैडी थी वो 55 लाख मेट्रिक टन थी, हम 61 लाख से भी ज्यादा परचेज कर चुके हैं। मगर आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, पत्रकार होने के नाते, अगर आपको कहीं लगता है कि मंडियों में फेक बिल्स कटकर और आज भी आपके पैडी पड़ी है और जहां गोदामों में या शेलरों में जानी चाहिए थी वहां नहीं पहुंच रही, जिस तरह की प्रथा इतिहास में रही है, अगर आप लोग हमें कोई रिपोर्ट देंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर भी तुरंत एक्शन सरकार लेगी। ऐसा हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं, तो आप मेरे को लाके दो, आप बकायदा फर्म का नाम लाके दो जो फेक बिल्स काट रही है, उसके ऊपर स्पेशल टीम गठित कर भी हमें इंस्पेक्शन करानी पड़े तो सरकार कराए। दुष्यंत, पराली को लेकर के किसान आंदोलन से किस स्थिति में है? सरकार पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने भी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम पराली जितनी भी है उसको ना स्टबल को जलाया जाए, हम एक एक किलो उसका खरीदेंगे और उसके लिए न्यूनतम मूल्य 100 रुपए क्विंटल का तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी अगर हमें देना पड़ेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि किसान की जेब से 1 रुपया ना लगे। दुष्यंत जी, थिएटर के लोग आपसे मिले होंगे, आप कोई मुलाकात उन्होंने की है उनकी समस्या को लेकर सरकार की? देखिये, जहाँ वो मामला है, ये मामला हाईकोर्ट की कमेटी द्वारा मॉनिटर्ड है, मेरे को इसके बारे में इनडेप्थ तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिस समय ये मामला हुआ था, जो फर्स्ट पोर्शन वेकेशन का था, उस समय तो बिल्कुल हमने कहकर सिरसा के अंदर जो फ्लैट्स बने हुए थे उनके अंदर उन लोगों की मूवमेंट कराई, अभी एक्सपेंशन हाईकोर्ट ने करी है एरिया की, एक बारी मैं उसको स्टडी करा लूँ उसके बाद ही कोई टिप्पणी दे। होल्डी कमेटी बन चुकी है, अनिल विज जी उसके अंदर है, कंवरपाल जी उसके अंदर है, पूर्व मंत्री धनखड़ साहब उसके अंदर है, हमारी ओर से अनूप धानक जी विधायक जी हैं और साथ में राजदीप फोगाट जी हैं, तो सब मिलकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के म्यूचुअल पॉइंट से पहले तो उसको एक्सपीडिशियसली पूरा किया जाए, जिसके ऊपर चाहे वो 50 किलोमीटर में HTAT का हो, वो आपने खुद देखा कि ऑलरेडी सेंट्रल एलोकेशन पास में होगी,
शराब की गांव के अंदर बंदी हूं मैं, तो आज आप सारे पत्रकार साथी हो, आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने माध्यम से भी आप ये प्रयास करो कि ग्राम पंचायतें पूरी की पूरी रेजोल्यूशन पारित करें कि हमारे गांव में शराब के ठेके ना खुले, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि अगला जो एक्साइज टैक्सेशन का वित्त वर्ष होगा उसके अंदर जिन जिन ग्राम पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव आएगा उनके अंदर हम ठेकों को पूरी तौर पर समाप्त करें। सिरसा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, बावजूद इसके सिरसा में बड़े प्रोजेक्ट की बात करें इसका मतलब तो आपने मेरे को हरियाणा से बाहर का कर दिया। आपको ये बताऊं कि सिरसा जिले से तो शायद सबसे ज्यादा विधायक चुन कर आए, जहाँ हमारी कैपेसिटी तो 5 विधायकों की है, आज तो सिरसा जिले का नेतृत्व उससे भी ज्यादा है। बड़े मेडिकल सिरसा के हॉस्पिटल की मांग जो आप बेफिक्र रहिए, 3-4 प्रोजेक्ट हमने प्लान आउट करे हैं जिसके अंदर स्किलिंग सेंटर की बात हो, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन की बात हो, जैसे अपने सिविल हॉस्पिटल है इसके अंदर जैसा कैथ लैब पीपीपी मॉडल के माध्यम से गुड़गांव के सेक्टर 10 के हॉस्पिटल में खोला गया है, आपको चाहूँगा कि एक दिन आप लोग भी जाकर उसको देख कर आए। मेरी स्वयं ACSL से भी चर्चा हुई थी कि वो मॉडल हम यहाँ रेप्लीकेट करें जिसमें स्टंट जैसी व्यवस्था जिसके लिए आज लाखों रुपये देने पड़ते हैं वो 18,000 रुपये में एक व्यक्ति को लगे, SC को, आयुष्मान वाले को या BPL वाले को मुफ्त में वो सुविधा उपलब्ध हो।